ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन उवाच, जि शास्त्र विधि मुश्चुर्य जजन्ति श्रद्धयान्विताः, तेषां निष्ठां तु काकुष्ण सत्वमाहु रजस्तमः। अर्जुन पचारिले, हे कृष्ण, जीव मनुष्य माने शास्त्र विधि त्याग करी श्रद्धाजुक्त होई देवादिंकु पूजा करंती, सेमानंकर स्थिति कौन हुए? सत्विकी ना राजसी ना तामसी? श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजाम्, सत्विकी राजसी चैव तामसी चेति तं शृणु। श्री भगवान कहिले, मनुष्य मानंकर से शास्त्रीय संस्कारु रहित केवल स्वभावरु उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी राजसी तथा तामसी एपरी तिनि प्रकार होइथाय, तहा तुम्हें मोठारु सुण। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयूयं पुरुषु जुदच्छुद्ध स एव सः। हे भारत, सबु मनुष्यंकर श्रद्धा सेमानंक अंतःकरण अनुरूप हुए, यही पुरुष श्रद्धामय अटे। एणु जेउ पुरुष जेपरि श्रद्धावान से स्वयं मध्य सही परि ही अटे। जजन्ति सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाहां, प्रेतन भूत गणासन्नी जजन्ति तामसा जनाहां। सात्विक लोक देवता मानंकु, राजस लोक यक्ष राक्षस मानंकु एवं तामस लोक प्रेत भूत मानंकु पूजा करंती। अस्त्रास्त्र विहितं घोरं तप्यं तेजि तपोजनाहं, दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। जेउ माने शास्त्र विधि रहित केवल मनः कल्पित घोर तप आचरण करंती तथा दम्भ अहंकार युक्त होई कामना आसक्ति बलर अभिमान मध्य जड़ित रुहंती। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूत ग्राम मचित सह, मांचैवान्तः शरीरस्थं तन विध्यासुर निश्चयान। शरीर रूप से अवस्थित भूत समुदाय को एवं अंतःकरण स्थित मोते मध्य क्रूश कराउथिबा से अज्ञानी मानंकु आसुर स्वभाव धरिथिबा लोक बोली जानो। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदं इमं शृणु। आहार मध्य लोकमानंकर प्रकृति अनुसारे तिनि प्रकार प्रिय हुए एवं यज्ञ तप ओ दान मध्य से परि तिनि प्रकार रहिए, सेगुडीकर मध्य पृथक पृथक विभाग तुमे मोठारु शुण। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनाहं, रस्यः सिग्धास्तिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियः। खाद्य ज्यों खाद्य आयु वृद्धि बल आरोग्य सुख एवं प्रीति वर्धनकारी रसयुक्त सिग्धम स्थिर रहे तथा स्वभावत मन को प्रिय लागे सही खाद्य सात्विक मनुष्य मानंकर प्रिय। कटप्राण मणातीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहार राजस श्रेष्ठ दुख शोकामय प्रदाह। पिता खट्टा लुणिया अति उष्ण राग रुक्ष दाहकारक एवं दुख चिंता तथा रोग उत्पन्नकारी खाद्य राजस लोकंकर प्रिय। जात जामंगत रसं उति पर्जुषितं च जात उतिष्ठमपि चामिध्यं भोजनं तामस प्रियम्। जिउ खाद्य अर्धसिद्ध रस रहित दुर्गंध युक्त बासी ओइंठा तथा अपवित्र से खाद्य तामस लोकंकर प्रिय। अपलाखाखि वीरजज्ञो विधि दृष्ट्यु जयिज्यते जष्टव्यमेवति मनः समाधाय सात्विक। जेउ यज्ञ शास्त्र विधि रे नियत जहा करिबा ही उचित बोली मन को दृढ़ निश्चित करी फल इच्छा करु नथिबा पुरुष मानंक द्वारा करा जाए ताहा सात्विक। अभिसन्धायतु फलं दम्भार्थमपि चैव जत इज्यते भरत श्रेष्ठं तं यज्ञं विधिराजसम्। किन्तु हे अर्जुन,
केवल दम्भाह चरण पाई अथवा फल प्राप्ति उद्देश्य रखी जो यज्ञ करा जाए सही यज्ञ को तुम्हें राजस बोली जानो। विधिहीन सृष्टान मंत्रहीन मदक्षिणम श्रद्धा विरहित यज्ञ तामसं परिचक्षते। एहिपरि भावरे निम्न प्रकारे यज्ञर लक्षण वर्णना करिसारि वर्तमान तपर लक्षण मानकर प्रकारण आरंभ करुछन्ति। देव द्विज गुरु प्राज्ञं पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसांच शारीरं तप उच्यते। बिना मंत्ररे बिना दक्षिणारे एवं बिना श्रद्धारे करा जाउथिबा शास्त्र विधि रहित यज्ञ तथा अन्नदान रहित यज्ञ को तामस यज्ञ बोली कहा जाए। देवता ब्राह्मण गुरु एवं ज्ञानी मानंकर पूजन पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य एवं अहिंसा यहाँ शरीर संबंधी तप कहा जाए। अनुद्वेग करं वाक्यम सत्यं प्रिय हितं च जत् स्वधायाभ्यसनं चैव वाङ्मय तप उच्यते। जहा उद्वेग कारक नुहे जहा प्रिय हितकर एवं यथार्थ वचन तथा जहा वेद शास्त्र पठन परमेश्वर नाम जप करिबार अभ्यास ताहाकु ही बाणी संबंधी तप कुआ जाए। मन प्रसाद सौमत्यं मनोमात्म विनिग्रह भाव संशुधि तपो मान समुच्यते। मन प्रसन्नता शांत भाव भगवत चिंतन करिबार स्वभाव मनर निग्रह एवं अंतःकरण स्थित भाव मानंकर सम्यक पवित्रता जहाँ मन संबंधी तप कहा जाए। श्रद्धया परया तप्तम ततस्तत्रिविदं नरेः अपलांखा खिबिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। फल इच्छा करुनथिबा योगी पुरुष मानंक द्वारा परम श्रद्धार सहित करा जातुबा सेई पूर्वोक्त कायिक वाचिक मानसिक ओ तीनि प्रकार तप को सात्विक तप कुहंती। सत्कार मन पूजार्थम तपो दम्भेन चैव जत् क्रियते तदिहं प्रोक्त राजसंचलम ध्रुवं। जेउ तप सत्कार मानव पूजा माई पाइबा पाई तथा अन्य कोनोसी स्वार्थ सिद्धि पाई स्वभावत बा दम्भ पूर्वक करा जाए से अनिश्चित ओ क्षणिक फलदायी तप को राजस तप कहा जाए। मूल ग्राहेणात्मनुज पीड़या क्रियते तप पर शिष्यादनार्थ तदाम समुदारतम। जेउ तप मूढ़ता पूर्वक दीदी धरी मन बाणी ओ शरीर पीड़ा सहित करा जाए अथवा अन्यर अनिष्ट करिबा निमन्ते करा जाए सही तप को तापस तप कहा जाए। दातव्यमिति जद्दानम दीयतेनुपकारिणी देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकं श्रुतम। दान देवा ही कर्तव्य एपरि भाव रखी जो दान देश काल पात्र प्राप्त हेले प्रत्युपकार आशा न रखी अनुपकारी निस्वार्थ भाव दिया जाए सही दान को सात्विक कहती। जत्तु प्रत्युपकारार्थम फल उद्दिश्य वा पुनः दियंते च परिकृष्टं तद्दानं राजसंस्कृतम। किंतु जेउं दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार पाइबा निमन्ते अथवा फल प्राप्ति उद्देश्य को दिया जाए सही दान को राजस दान कहा जाए। अदेश काले जद्दानम मपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तद्दाम समुदारुतम। जेउं दान बिना सत्कार रे अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल रे एवं अपात्र मान को दिया जाए सही दान को तामस कहा जाए। ओम तस्जीति निर्देशो ब्रह्मण स्त्री विदः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत् सचिदानन्द घन ब्रह्मंकर एही तीनि प्रकार नाम कहा जाइछि। सृष्टिर आदि कालरे ब्राह्मण माने एवं वेद माने तथा यज्ञ माने तांकरि द्वारा रचित होइअछि। तस्मादो मित्युदाहृद्यम यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः
सततं ब्रह्मवादिनं तेणु वेद मंत्र उच्चारण करथुवा श्रेष्ठ पुरुष मानंकर शास्त्र विधि द्वारा नियत यज्ञ दान एवं तप रूपक क्रिया गुड़िक सर्वदा परमात्मांकर एही ओंकार उच्चारण करी आरंभ हुए। तदित्य नभिसंधाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियास्व विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। ये सबु तत् नामरे कुहा जाउतिबा परमात्मांकर ही अटे। एही भाव रखी कल्याणकामी पुरुष मानंक द्वारा फल आकांक्षा न रखी नाना प्रकार यज्ञ तप ओ दान रूपी क्रिया करा जाए। सद्भावे साधु भावे च सदित्येच्चत्त प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। परमात्मांकर ही सत नाम सत्य भावरे एवं श्रेष्ठ भावरे प्रयोग करा जाए तथा हे पार्थ उत्तम कर्मरे मध्य सत शब्द प्रयोग करा जाए। यज्ञे तपसि जाने च स्थिति ही सदिति चुत्यते कर्म तव्य तदीर्थियम सदिति वाभिधीयते। तथा यज्ञ तप एवं दान रे जो स्थिति थाए ताहाकु मध्य सत बोली कहा जाए एवं सही परमात्मा को पाई करा जाउथिबा कर्म को निश्चित रूप से सत बोली कहा जाए। अश्रद्धया हुतं दतं तपस्तप्तं कृतं च जत् असदित्युच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्यनो इह। हे अर्जुन बिना श्रद्धारे करा जाउथिबा होम दिया जाउथिबा दान एवं करा जाउथिबा तप मध्य अन्यान्य शुभ कर्म को असत बोली कहा जाए। तेणु ताहा इह लोकरे लाभदायक नुहे कि मरिबा परे मध्य लाभदायक नुहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपण श्रीमद भगवत गीतार सप्तदश अध्याय शुणुले देखुले। जदि आपण को चैनल बहुत खूब सुंदर लगुच तबे चैनल को लाइक करंतु शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु कारण बहुत सुंदर सुंदर नुआ वीडियो माने एथिरे पड़िबो तो तुरंत नोटिफिकेशन पाया पे यही चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। आज आपण के दिन मंगलमय हो। जय जगन्नाथ।